खोल। के पूरे मेवात के अंदर जो सबसे लजीज खाना होगा वो असलम दिल्ली दरबार जो ये अपना जुरहरा है यहाँ पे मिलेगा। जेंट्स के साथ साथ यहाँ पर एक लेडीज के लिए रूम बनाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर से आते हैं और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ लेकर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पर ये जगह बनाई गई है कि यहाँ पर आसानी से बैठ करके मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ खाना खा सकते हैं। होम डिलीवरी में। अच्छा, कितने पैकेज तक के है, कितनी दूरी तक का है, कुछ रखा है अभी तक डिस्टेंस वगैरह? 10 किलोमीटर तक का। अच्छा, 10 किलोमीटर तक अगर कोई ऑर्डर करता है तो आप डिलीवरी वहाँ पर करेंगे? लेकिन अगर आप इस रेस्टोरेंट में देखेंगे तो यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और इनका मानना यह है कि ये साफ सफाई आगे तक बरकरार रहेगी और खाने को हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हमने ओपनिंग कर दी है, तो आइए आप सब, मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ आप सब आइए। दोस्तों, मेवात इलाके के जुरहड़ा में आज असलम चिकन दिल्ली दरबार 6 के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के जुरहड़ा में इससे पहले कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था जहां पर अच्छी फैसिलिटी के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ में लोगों को खाना खिलाया जाए। बड़ी बात यहां पर यह है कि यहां पर बिना मसालों वाले, जो ज्यादा मसाले होते हैं, जिनसे ज्यादा तबीयत खराब होती है, उन मसालों का परहेज किया जाता है। आज यहाँ पर मौलाना राशिद मिल खेला साहब ने रिबन काट करके और दुआ करा करके इसका उद्घाटन किया है। वहीं उनके साथ में मुफ्ती सराफत साहब, कारी जमील, हाफिज इसराइल साहब और साथ ही बहुत सारे उलेमाओं ने इस दुआ में और उद्घाटन समारोह में शिरकत की है। वहीं यहाँ पर असलम साहब से और उनके जो चाहने वाले हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या सोच करके इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है, आने वाले समय में इलाके के लोगों को क्या कुछ सुविधाएं यहां पर दी जा रही है और यहां पर जो मुसाफिर हैं, जो खाना खाने की चाह रखते हैं, उनको कैसा खाना यहां पर दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना राशिद साहब से, क्योंकि उन्होंने दुआ कराई है और दिल्ली दरबार 6 है उसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि मेवात इलाके के लोग लगातार तिजारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन तिजारत नेक नियत के साथ किया जाए ये उससे भी बड़ी बात है। सबसे पहले तो मौलाना साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, आज आपने असलम चिकन दिल्ली दरबार 6 का उद्घाटन किया है, यहाँ पर दुआ कराई गई है, क्या कुछ उम्मीदें आपको इस यानी कि रेस्टोरेंट से हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी कौम के नौजवान बच्चे खाने कमाने में और तिजारत की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। इस्लाम मज़हब में कोई तंगी नहीं है। कुरान हमारा कहता है कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अच्छा खाओ और अच्छा अमल करो। तो इस तरह का जो निज़ाम किया जा रहा है, अच्छा खाना बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे अच्छा खाएंगे, साफ़ सुथरा हलाल मिलेगा, ये बड़ी खुशी की बात है। और बस इसके साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी नीयत अच्छी हो और कौम के लिए, बच्चों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करें ताकि पूरा मुआशरा ऊपर उठ सके। अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट मौलाना साहब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर खाना बनाया जाता है, एक तो वाजिब दाम नहीं होते हैं, दूसरा ये है कि मसाला कुछ ऐसे उसमें डाले जाते हैं खाने में जिससे लोगों की सेहत ख़राब होती है, तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे क्या कुछ अपील आपकी रहेगी? मेरी गुजारिश यही है कि खाना अच्छा भी होना चाहिए, जायकेदार और सेहतमंद होना चाहिए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जी। और मुझे उम्मीद है असलम भाई से और उनके साथियों से, वो पहले से ही बड़े समझदार और संजीदा इंसान हैं, वो ऐसा खाना बनाएंगे और मसाले ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि लोगों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उनसे यही अपील करूंगा, खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखें, खाना लजीज भी होना चाहिए और सेहत देने वाला होना चाहिए, सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मेवात इलाके के जो नौजवान हैं वो तिजारत की ओर बढ़ेंगे या फिर रोजगार की ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनसे वो लोग बच सकेंगे। ऐसे में बाकी जो और मेवात के नौजवान हैं उनका उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हम लोग रात दिन देखते हैं जो सामाजिक बुराइयों में संलिप्त हैं, उनको कैसे निकाला जाए, क्या संदेश है उनके लिए?
देखिए, खाली रहना ये एक मुस्तकिल मुसीबत है, आदमी को फारिग नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो बच्चे घर पे खाली बैठे हुए हैं उनसे कुछ उल्टा ही काम होता, सीधा काम तो होता नहीं है। उनको चाहिए कि सब बिजनेस में आगे बढ़ें, काम करें, सारी लाइनें खुली हुई हैं। जो आप बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला की तरफ से उसको नवाजा जाता है। मैं ये अपील करूंगा नौजवानों से, कोई बच्चा भी हमारा खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौलाना साहब जुड़ने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर दुआ कराई गई है और दुआ कराने के बाद में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं असलम चिकन जो रेस्टोरेंट है इसमें दी जाएंगी और जायकेदार यहाँ पर जो व्यंजन है या फिर यूं कहें कि जो यहाँ पे खाने की सामग्री है वो बनाई जाएंगी। और बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना किया यहाँ पे ना किया जाए। चलिए, यहाँ पे स्टाफ से बात करेंगे, यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से खाने की सुविधा यहाँ पर हैं, क्या कुछ यहाँ पर बनाया जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ सुविधा इलाके के लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए अंदर देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट आप देखते हैं वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो साफ सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा जेंट्स के साथ साथ यहाँ पर एक लेडीज के लिए रूम बनाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर से आते हैं और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ लेकर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल यहाँ पर ये जगह बनाई गई है कि यहाँ पर आसानी से बैठ करके मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ खाना खा सकते हैं, यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। वहीं अगर दूसरी ओर हम लोग बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है वो आप इन तस्वीरों को देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रेस्टोरेंट में देखेंगे तो यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और इनका मानना यह है कि ये साफ सफाई आगे तक बरकरार रहेगी और खाने को हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ असलम साहब हैं। असलम साहब, ये बताइए कि आज आप लोगों ने जो रेस्टोरेंट खोला है क्या कुछ सोच के खोला है, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत लोग खोलते हैं, खाना कुछ समय के लिए अच्छा देते हैं उसके बाद में फिर वहीं आ जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हम तो बराबर अच्छा ही खाना देते रहेंगे जब तक हमारा रेस्टोरेंट रहेगा, और उसके अलावा दूसरा कम पैसों में देंगे हम। अच्छा, वाजिब दाम और अच्छा खाना यहाँ मिलेगा जी। उसके अलावा हम GST के साथ बिल भी वो करेंगे। अच्छा, GST के साथ आप बिल बनाएंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट जो खुला GST के साथ है। अच्छा, ये बताइए कि ये है कहाँ पर, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये जी पहाड़ी रोड पे, सल्लम नगर, मदरसे से पहले। मदरसे से पहले है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऑर्डर भी करवाते हैं। अच्छा, डिलीवरी का कोई सिस्टम बनाया आप लोगों ने? होम डिलीवरी भी। अच्छा, कितने पैकेज तक के है, कितनी दूरी तक का है, कुछ रखा है अभी तक डिस्टेंस वगैरह? 10 किलोमीटर तक का। अच्छा, 10 किलोमीटर तक अगर कोई ऑर्डर करता है तो आप डिलीवरी वहाँ पर करेंगे, और कुछ स्पेशल आपने पैकेज रखा होगी 500 रुपये से कम में नहीं जाएगी, 500 से ज्यादा का हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जितना का भी आप ऑर्डर करेंगे आपके घर तक पहुँच जाएगा। डिलीवरी का कोई चार्ज है? फ्री है। 10 किलोमीटर तक 100 रुपये का। 100 रुपये का आप लोगों ने चार्ज रखा है। चलिए हमारे साथ में, अच्छा खालिद, ये बताइए कि क्या कुछ खाने में यहाँ पर मेन्यू में क्या क्या है, कुछ आइडिया है? पहले तो मैं जी आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और रिजवान जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए, और एक मैंने पहले भी कहा था कि आप जो मेवात के लिए गुड न्यूज़ होता है उसको आप बढ़ चढ़ कर दिखाने की पूरी कोशिश करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो रिजवान जी मैं आपको बता दूँ कि हम पिछले 2 सालों से प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर काफ़ी रेस्टोरेंट हैं बट हमारे राजस्थान में बहुत कम है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से पुनाना या पिनंगवा या नुहू साइड जाते हैं खाना खाने के लिए, एक्चुअली जब भी कभी मन करता है। तो हम पिछले 2 सालों से मैं असलम भाई और हमारे बड़े भाई इसराइल भाई वो सब एक प्रयास कर रहे थे कि कुछ समय बाद या हम संघर्ष करके यहाँ पे जुरहरा में अपने एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकें आम पब्लिक को। तो बस वही अल्हम्दुलिल्लाह आज संघर्ष आपके सामने है और हमने ओपनिंग कर दी है। तो आइए आप सब, मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ आप सब आइए, इंशाल्लाह मेवात के अंदर A1 खाना मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ, चैलेंज तो नहीं कर सकता, कि पूरे मेवात के अंदर जो सबसे लजीज खाना होगा वो असलम दिल्ली दरबार जो ये अपना जुरहरा है यहाँ पे मिलेगा, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह असलम भाई वैसे भी बहुत खाने के शौकीन हैं, काफ़ी चीज़ों के वो शौकीन है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सब आइए, वेलकम है आपका, बहुत कम सस्ते पैसों में और बहुत अच्छा खाना आपको प्रोवाइड करेगा, लजीज खाना होगा, जायका बहुत अच्छा होगा। चलिए, अच्छा कोई और अपनी बात करना चाहता है? अच्छा, मिस्त्री हैं, कहाँ के हैं आप?
अलीगढ़ के यूपी। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। इससे पहले कहाँ कहाँ आपने काम किया है? दिल्ली में किया है, महिपालपुर में। दिल्ली में महिपालपुर में आपने काम किया है। अच्छा बताइए आप यहाँ पे क्या कुछ बनाते हैं? अफगानी बनाते हैं। चिकन अफगानी, ठीक है। तंदूरी चिकन बनाते हैं। तंदूरी चिकन, ठीक है। तंदूरी टिक्का, तंदूरी टिक्का हो गया। मलाई टिक्का, मलाई टिक्का। कबाब, कबाब, शाही कबाब, ठीक है। और ग्रेवी में बनाते हैं। और मटन में क्या बनाते हैं? क्योंकि यहाँ के जो ज्यादा लोग हैं ना वो शौकीन है मटन के, तो मटन कबाब बनाते हैं। मटन कबाब बनते हैं, स्टू वगैरह, मटन कोरमा। हाँ, मटन कोरमा, स्टू। हाँ, और तुम्हारा चिकन कोरमा। हाँ, कढ़ाई चिकन, हांडी चिकन, रारा चिकन, बटर चिकन, चिकन चंगेजी, चिकन कोरमा, मतलब सारा खाना आप यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा ये बताइए कि सर्विस कितनी फास्ट है आप लोगों की? क्योंकि कहीं ऐसा हो नहीं कस्टमर आके बैठ गया आधे घंटे तक वेट कर रहा है, एक घंटे तक वेट कर रहा है? नहीं होगा, मात्र 5 मिनट लगेगा ऑर्डर देने में। 5 से 10 मिनट के बीच में आप रेडी करके दे देंगे। हाँ। खाएं और एंजॉय करें। हाँ। चलिए ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में स्टाफ थे, इसके अलावा वो सारे सामाजिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात इलाके के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जुरहेड़ा में आए और असलम दिल्ली दरबार 6 में यहाँ पर एक बार खाना जरूर खाएं, क्योंकि यहाँ का जो खाना होगा वो बेहद लजीज होगा, जायकेदार होगा, और यहाँ पर वो मसाले नहीं डाले जाएंगे जिनसे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सके। स्क्रीन पर हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जुरहेड़ा में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर के दिल्ली दरबार 6 का लुत्फ उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।